अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ फ्रूट केक। फ्रूट केक बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, अशरफियाँ लिए मैंने 2 टेबलस्पून, किशमिश लिए मैंने 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, मैदा 1 कप, अंडे 3 अदद लिए, बेकिंग पाउडर लिए मैंने 1.5 टीस्पून, आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी 1/2 कप, घी लिया मैंने 1/2 कप। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो सांचे में आप बनाएंगे उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लें, उसके बाद उस पर बटर पेपर लगाएं और इस तरह ब्रश की मदद से उस पर भी ऑयल लगा लें। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं घी डाल दूंगी, 1/2 कप घी लिया है मैंने, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, बीट कर लूँगी मैं। जितना अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे उतना ही केक स्पंची बनेगा। घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ पिसी हुई, इसको भी घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही केक स्पंजी बनेगा। अब इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून उसके ऊपर मैं मैदा डाल दूंगी। एक एक करके अंडा शामिल करेंगे, एक साथ अंडे नहीं डालेंगे हम। इसी तरीके से इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे। एक अंडे को एक टाइम में एक अंडा डालेंगे और उसको इसी तरीके से बीट करेंगे। अब मैं दूसरा अंडा डालूंगी, इसके ऊपर 1 टीस्पून मैदा शामिल कर देंगे, फिर इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे। साथ ही मैं तीसरा अंडा डाल दूंगी और उसको भी बीट कर लेंगे। देखें, तीसरे अंडे को भी मैंने शामिल कर लिया है। अब मैदे को छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, मैदे को छानने की वजह से केक का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। मैंने जो है ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। हम 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। अब इसको फोल्ड कर दूंगी। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल के छान लिया था। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने मैदे और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथ की मदद से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे मैं बीटर से नहीं कर रही हूँ, आप भी हाथ से ही कीजिएगा। इसको विक्स की मदद से भी आप कर सकते हैं। मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रखा है मैंने। अच्छा, आप चाहे तो इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। चूल्हे पे भी हम कोई बड़ी देचकी लेंगे, उसमें कोई स्टैंड या फिर कोई ढक्कन, किसी भी छोटी देचकी का ढक्कन उस पर उल्टा करके रख दें और उस पर अपना केक का जो सांचा है वो रखिएगा और उसको कवर कर दीजिएगा ताकि उसमें से कोई हवा ना बाहर आए, हीट बाहर नहीं आनी चाहिए। और उसको तकरीबन हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप 40 मिनट के बाद उसे चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ओवन की भी अपनी हीट होती है। ओवन भी आप 20 से 25 मिनट के बाद अपने ओवन को चेक कर लीजिएगा कि केक आपका तैयार है कि नहीं। मैंने 3 हिस्सों में करके मैदे को शामिल कर लिया और इस तरीके से देखिए मिक्स कर लिया। देखें, मैदे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें फोल्ड कर लिया और हाथ को एक ही रुख पे इसी तरीके से मैंने सारे मैदे को एक ही रुख पे इस तरह मिक्स किया है। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब अशरफियों पर 1 टीस्पून मैंने मैदा डाला है और इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से शर्फियाँ जो हैं वो नीचे नहीं बैठती।
अब इसमें सारे मिक्सचर में डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने बचा ली है किशमिश और अशरफियाँ ऊपर से डालने के लिए, इसको भी इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्सचर डाल देंगे सांचे में। अच्छा, मुझे लग रहा है मेरा सांचा जो है ना थोड़ा बड़ा हो था, मेरे पास छोटा नहीं था, इसलिए मैंने इसी को इस्तेमाल किया है। अब इसे टैप करेंगे और जो बाकी बचा हुआ है वो भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं केक को बेक होने के लिए रख रही हूँ। ओवन पहले से प्री हीट था 180 डिग्री पर, टूथपिक की मदद से चेक कर लें। केक बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने ओवन से निकाल लिया 35 मिनट में। मज़ेदार और सॉफ्ट सा केक तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए कितने आराम से केक कट रहा है, इतना सॉफ्ट है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए कितना स्पंची और सॉफ्ट है केक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है, दुआओं में याद रखें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।